चलिए तो आगे चलते हैं। लोगों को लाइट जला के आना पड़ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है क्योंकि ये देखिए अभी गाड़ी सामने से आ रही है। ये देखिए लाइट जला के अब चलना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है यहाँ पर और क्लाउड्स बिल्कुल हम मतलब उन्हीं में घूम रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, कभी ऐसा ना हो कि आगे रास्ते वगैरह सब रोक दें और हम, ये देखिए हम स्नो में। ये फ़ायदा है कि नॉर्मल गाड़ी होती तो यहाँ स्लिप करती, चलती नहीं, और इस बार हम 4x4 में हैं, जिम में हैं तो फटाफट नॉर्मल स्टार्ट चल पड़े हैं। नहीं तो क्योंकि डर नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए हम पिछली बार होंडा सिटी में हर बार स्नोफॉल में आते हैं, वो हमारी आदत है। हम होंडा सिटी में आते थे तो मतलब वो हर समय डर एक रहता था क्योंकि वो स्लिप होती थी कभी, कई बार तो बड़े अच्छी है ऐसे जिग जैग करके घूम के जाती थी, हमें पता ही नहीं लगता था कहाँ ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक लगने के बाद ही आगे पीछे जाती थी। इसलिए मैं इन्हें कह रही हूँ कि ऐसी गाड़ियों से दूर रखना क्योंकि हमें अच्छे से एक्सपीरियंस है। ओ भाई ओ भाई नु 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 नु, देखिए ये आपको संभालो भैया, ओए देखना इनसे थोड़ा दूर रहो, कभी ये हमारी गाड़ी पे ही जंप कर जाए। नहीं लेकिन वो कई बार बोले वो तो बेचारे जानवर है, उन्हें क्या पता, बट वो कहीं थोड़ा बहुत इसमें मार दिया तो। चलिए जी लाइव स्नोफॉल हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं एंजॉय करते हुए, क्योंकि ये तो है नहीं कि कहाँ पहुँच रहा है वहाँ पहुँचना है, ये पहुँच रहा है जहाँ तक चला जाता है चलते हैं। जैसे कि कल रात को भी हम 12:30 बजे सड़क पे घूम रहे थे, उस टाइम भी व्यू अलग था, उस टाइम तो वाकई में क्योंकि वो लाइटिंग हो गई और ऐसा लग रहा था आप कहीं जन्नत में ही घूम रहे हैं, और सुबह ये नज़ारे बिल्कुल अलग हैं। एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है, जब भी रुक जाएगी ना थोड़ा सा वेदर क्लियर होगा और जो पहाड़ नजर आएंगे वो फिर लगेगा। हाँ अभी फिलहाल आप लाइव के लीजिए, वो अभी मैं यहाँ पर हूँ, फिर उसके मजे भी लेंगे। चलिए जी कह रहे हैं भैया अरे नहीं भैया नहीं 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 मैडम जी जॉय बर्फ में इतनी दूर से आओ हमने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिलहाल तो आप इंजॉय कीजिए गाड़ी में, गाड़ी में चल रहा है थोड़ा सा हीटर, अंदर है गर्मी बाहर है सुंदर नज़ारे, और क्या चाहिए। आप धीरे धीरे चल रहे हैं और गाने भी सुन सकते हैं। वाओ ये देखिए क्या नज़ारे सुंदर होते जा रहे हैं। लोगों ने भाई यहाँ पर स्नो चेन भी बांध ली है अपनी गाड़ियों में, तो इसका मतलब ऊपर और हैवी है। फिलहाल हमें जरूरत फील नहीं पड़ रही कि हम मतलब स्नो चेन बांधे, पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम अपने टायरों की थोड़ी सी हवा निकालेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं। फिलहाल नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारी गाड़ी को चलने में। ओके और फिलहाल मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर से नज़ारा आप लोगों को। हाँ ये हम यहाँ पर कल रात को आए थे, और रात को तो भाई ना पिछली वीडियो में आपने देखा है, और वाकई में उसके लिए तो ना हर जब भी आप मुझे रात का व्यू याद आएगा ना अलग ही लेवल पे मैं चली जाती हूँ, क्योंकि वो लाइटिंग में तो अलग ही दिख रहे थे भाई, और अकेले सुनसान रात वही वाली बात जैसे मैंने पिछली अगर आपने मेरी वीडियो में उनमें भी देखा होगा जब मैं नारकंडा हाटू पीक से वापिस आ रही थी, अकेली रात मतलब सुनसान अकेली रात तो क्या होगी, सुनसान रात अंधेरी रात सुनसान रास्ते अंधेरी रात। देखिए भाई बर्फ के चक्कर में अब दिमाग ठंडा हो रहा है, कोई नहीं आप लोग समझ रहे हैं ना इतना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो वही है अंधेरी रात सुनसान रास्ते, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और सिर्फ हम चल रहे हैं, क्या बात है वो तो बस। और ये देखिए
ये अपने एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये खैर इनको भगवान ने बना ही ऐसा रखा है। ओके, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इधर। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ लेपर्ड वगैरह तो नहीं होंगे इस एरिया में, हैं वो तो नहीं, सुना भी नहीं है कभी है। ये थार है, हाँ, और अच्छा ओके गुरखा, हाँ ये तो इधर ही रहते होंगे ना, इन्हें तो फिर वो करना पड़ता होगा सारा अपना। ये देखिए ये सोलंग आई थिंक स्टार्ट हो गया है, चलो तो ऐसे ही खड़े हैं। चलो भाई चलो चलो जिमनी व्हाइट वाली, पर जो मजा ब्लैक में है ना वो व्हाइट में नहीं है। लेकिन भाई देखो ब्लैक में ना निशान तो बहुत जल्दी पड़ते हैं, और क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि बाहर के लोगों को चलानी नहीं आती है, तो आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो ध्यान से देखकर जाइए। और गाड़ियों को तो इस टाइम यहाँ ऊपर आने नहीं दे रहे हैं, बट 4x4 अगर आपके पास है, लेकिन लोकल मतलब यहाँ के लोग नहीं है, तो थोड़ा सा देखिए उनका कहना भी सही है, क्योंकि यहाँ के लोग तो एक्सपर्ट हैं इस मौसम के लिए, हम लोग वही हैं नए हैं, तो धीरे चलाएंगे। चलिए बस उन्होंने यही कहा है कि आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा वो देख लीजिएगा। तो ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये थोड़ा सा वही है ना भैया, चल लो। ओहो बड़ी आइस आइस क्रीम की भी स्लिप करती हैं, हाँ अच्छा पुराने होने पे ज़्यादा स्लिप करती है, अच्छा हाँ सही बात कह रहे हो, सॉरी भाई मैं कह रही हूँ ना आज बर्फ गिर रही है, उसमें मेरा दिमाग हो रहा है ठंडा और मैं भी ऐसे ऐसे आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ बिल्कुल बच्चों वाले ये देखिए क्या नज़ारे हैं, सब वाइट ही वाइट। तो ये हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली, नहीं अभी तो सोलांग वैली 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, हाँ वो ये एरिया है सारा, वो तो वहाँ एग्जैक्ट एक पॉइंट है थोड़ा सा, लेकिन अब फिलहाल तो सारे के ये देखिए कितनी ज्यादा ढकी हुई है गाड़ियाँ यहाँ पर, जो रात को खड़ी होंगी तो यहाँ तो मेरे ख्याल से कितने फुट हो गिर गई होगी अगर आइडिया लगा रहे हैं, हैं यहाँ से जा रहे हो गुलाबा, अच्छा गुलाबा यहाँ से जा रहे हैं। चलिए फिलहाल वो टनल आ रहा है, टनल कह रही हूँ ब्रिज, ये देखिए ब्रिज भी कितना सुंदर लग रहा है, सारा ऊपर से कवर्ड हो गया है स्नो से, ध्यान से देखो, वाह वाह कितना सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन कलर विद व्हाइट, वाह 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 ग्रीन इन व्हाइट, क्योंकि व्हाइट के अंदर ग्रीन है। चलिए जी भालू भी मिलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस एरिया में, भालू से मुझे याद आया, देखिए पता नहीं मैं उसमें सही हूँ कि नहीं हूँ, भालू सामने आ जाए देखिए करे तो वही गा, हम तो करेंगे नहीं, बट कहते हैं भालू सामने आ जाए तो अपने हाथ ऊपर खड़े करके तेज तेज चिल्लाने लग जाओ, उससे भालू को लगता है उससे बड़ा कोई जानवर सामने आ गया है। देखिए मैंने एक दो जगह सुना, अब ये पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ये तो तभी पता लगेगा जब भालू मेरे सामने आएगा, या तो मैं अगर बच गई तो मैं आप लोगों को बताने आ जाऊंगी कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, नहीं बची तो फिर तो भाई कुछ नहीं कह सकते, फिर आप मेरे इस वाले आइडिया को क्रॉस मार देना ये यहाँ पर ये आ गया सोलांग वैली रिजोर्ट, अच्छा ये वही वाला है जो वो अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ यही तो थे हम कल रात को, वाह जीरो तो माइनस में है इस टाइम टेम्परेचर, ये देखिए ये हाँ यहाँ करी थी, हाँ ये रे तो रे वो वाले पेड़ जो रात को ऐसे लग रहे थे जैसे ना सफेद वो मोतियों की माला लटका दी है, क्योंकि इनके बीच में ना कल रात को लाइटिंग थी बहुत ज्यादा, तो वो इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब बहुत ही मस्त नजारे, वाह वाह क्या बात है, स्नो ही स्नो, इस टाइम कोई स्नो का गाना याद आ रहा है डॉक्टर राजन आपको, बस एक तो वही है और वो पुराना वाला तो मुझे याद आ रहा है, ये वादियाँ ये फिजाएं देखो भाई बुला रही है मुझे, ये वादियाँ ये फिजाएं, नहीं ज्यादा सुर नहीं लगाती ज्यादा सुर लग जाएंगे फिर आप लोग देखना भूल जाएंगे, वाह क्या बात है,
क्या नजारे हैं भाई। आह आह।